हेलो एवरीवन, दिस साइड निखिल, आई एम एन एक्सपर्ट काउंसलर। आज यार एक गुड न्यूज़ है, एजुकेशन सिस्टम का पूरा फ्रेमवर्क चेंज हो चुका है, स्कूल का भी चेंज हो चुका है और कॉलेज की अगर हम बात करें तो कॉलेज का भी चेंज हो गया है। तो सबसे पहले सबको कॉन्ग्रेट्स। तो यार इस पे हम आपको सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए हैं और कॉलेजेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, मतलब हायर स्टडीज़ में क्या क्या आपको बदलाव आए हुए हैं। हम इस पे बिल्कुल डीप डिस्कशन करेंगे। रेस्ट ऑफ इट, इस पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक वीडियो तो बहुत लंबा हो सकता था लेकिन उसको मैंने ओवरऑल मिनिमाइज करके बहुत छोटी सी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो उसके लिए मैंने एक पूरा पीडीएफ फॉर्म दे रखा है, तो ऑफिशियल नोटिस आप जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस पर हम देखेंगे कि चेंजेस किस तरीके से आए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो इस पर आराम से कि जैसे कि UGC का कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये 34 ईयर पहले जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन था उस टाइम पे चेंज आया था, उसके बाद से अब आया हुआ डायरेक्टली उसके 34 में, मतलब कि पिछले 34 सालों से बीच में कोई भी चेंज नहीं आया है एजुकेशन सिस्टम में। जिस तरह से जो पैटर्न चल रहा है हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हायर स्टडीज़ के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि जो अभी 12th पास आउट होकर अभी कॉलेज जाएंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या अभी आप जस्ट आपने ड्रॉप वगैरह किया होगा, आप जेईई एग्जाम दे रहे हो, ओवरऑल ये उन बच्चों के लिए है जो अभी कॉलेज जाएंगे। हायर स्टडीज की मैं बात कर रहा हूं। अभी स्कूल्स की इंफॉर्मेशन पर भी हम आएंगे, स्कूल के बारे में हम बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि रीजनल लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो या मतलब कि जो आपकी स्कूलिंग होगी उस तरीके से करेंगे। इस पर अब जो मेन पॉइंट है अपने काम को उसको समझ लो। अभी इस पर 50% जो इसमें क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है 2025 तक के, उन्होंने पूरा कैरिकुलम पूरा टारगेट डिज़ाइन कर रखा है ना। इसके बाद एक इस पर मल्टी इंट्री और एग्जिट का सिस्टम है, ये बहुत अच्छा मुझे समझ में आया। अगर बीच में अगर आप आउट कर जाते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सेकेंड ईयर तक किया तो आपको सेकेंड ईयर तक का वहाँ से मतलब कुछ ना कुछ वो सर्टिफिकेशन दे देंगे। अगर आप थर्ड ईयर में आउट करते हो, आपको जॉब करनी है तो थर्ड ईयर में आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आपको आगे रिसर्च में जाना है तो आप फोर्थ ईयर तक करिए, अदरवाइज आप थर्ड ईयर में अपना डिप्लोमा लेकर आप जॉब कर सकते हैं। तो इस पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जो हमारा एमफिल हुआ करता था वो पूरी तरह से हट चुका है ना। तो इस पे भी एक अच्छी चीज और है, वो आप और अच्छे समझ लो। जैसे कि अभी हम इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स के बारे में हमेशा डिस्कस किया करते थे, तो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब कि मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट ये लोग यहाँ से जनरेट किया इन्होंने। मेजर और माइनर, तो मतलब कि आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ ए माइनर, जिसमें आपका हो सकता है आपका स्टार्टअप हो सकता है आप सिंगिंग करना चाहते हो सकता है आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आपको जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसमें एडिशनल कर सकते हो। साथ में आपका जो कैरिकुलम है, जो आपका यूनिवर्सिटी का किसी इंस्टीट्यूट का, वो आपका पैरेलल चलेगा ही चलेगा। इस पे एक जो बेनिफिट वाला पार्ट है वो ये है हमारा कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है। जैसे कि अगर हमको बीटेक में है कि फोर्थ ईयर तक, अभी तक क्या था कि हमको बीच में अगर हम कभी भी ड्रॉप आउट होते हैं या हम बीच में पर हम बीटेक अगर ड्रॉप करते हैं तो बीच में मुझे कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता था, कोई डिप्लोमा नहीं मिलता था जिसके भी आप पर हम जॉब कर दें, हम ड्रॉपर ही कहलाते थे। तो इस पर एक बेनिफिट ये है कि अगर हम थर्ड ईयर में ड्रॉप करते, अगर मुझे जॉब कर दी तो हम थर्ड ईयर के बाद डिप्लोमा मुझे वहाँ से मिल जाएगा और उसको हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक हमारे लिए बेनिफिट वाला काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, काफ़ी अच्छा पार्ट है। एक जो मेन मोटिव था वो यहाँ से अपना रिजॉल्व हो गया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बीच में ड्रॉप आउट करने की सोचता है या ड्रॉप करना चाहता है या बीच में कुछ उसका और कुछ करने का मन होता है और उसके बाद से फिर वो दोबारा इंटर करना चाहता है। तो दोनों ऑप्शन है, वो कभी भी लीव कर सकता है, कभी भी इंटर कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं, कि मतलब स्कूल की जो अभी तक एजुकेशन थी जो बचपन से हम लोग पढ़ते थे उस पर क्या क्या बदलाव देखने को मिले। सबसे पहले क्लास 5th तक आपको एक रीजनल लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हो, मतलब कि अगर आपकी वहाँ की कोई जो भी लोकल लैंग्वेज आप उसके उसमें पढ़ सकते हो। और 5th के बाद जैसे आप 6th में एंटर करोगे तो यहाँ पर चेंजेस आएंगे, वो ये कि आपको उस क्लास 6th से कोडिंग छोटी मोटी इंटर्नशिप वगैरह सिखाई जाएगी या कोडिंग सिखाई जाएगी, जिसमें आपके यहाँ ना प्रैक्टिकल चीज़ों से थोड़ा सा आपकी एक जान पहचान हो पाए, एक अच्छा इंट्रैक्शन हो पाए, आप चीज़ें समझ पाओ कि आपको रियल में क्या आगे जाकर करना है। और एक इसमें एडिशनल चीज़ और है कि जैसे डिजी कोडर हमारा लॉकर है जिसपे हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्री और रिकॉर्ड रहता है, उस पर ये पूरा स्टार्टिंग से रहेगा। जब से आप एजुकेशन कर रहे हो तो उसमें आपकी सारी एक्टिविटीज़ नोटिस होंगी, ताकि आप जब क्लास 12th में जाओ, ताकि आप अपने आप को, अभी एक प्रॉब्लम ये आती थी हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि हम किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं या हम क्या हम बेटर कर रहे हैं, तो उसमें वो सारे रिकॉर्ड्स आपके वो सारी चीज़ें वहाँ से पता चल जाएंगी। एक चीज़ अभी और ब्रेक हुई है वो ये कि अभी क्या था कि 10+2 चलता था,
कि मतलब 10th के बाद जब बच्चा 11th और 12th वाले स्टैंडर्ड में आता तो बहुत हाई जंप होता था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने पूरे एक फोर्थ पूरे 4 साल का ले लिया, 9th, 10th, 11th एंड 12th, चारों जो यहाँ पर क्लासेस हैं स्टैंडर्ड हैं इस पर सारी चीज़ें इस तरीके से डिवाइड की गई हैं ताकि आपको एकदम से बर्डन जैसा ना फील हो या एकदम से ये ना लगे कि हम बहुत एक कुछ न्यू एरा में इंटर कर रहे हैं। तो उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया, तो एक ये अच्छी चीज़ है जिसको 5+3+3+4 में डिवाइड किया गया है पूरे कैरिकुलम को, बहुत अच्छे से एक नए तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर आपको और इस पर डिटेल में देखना है कि एज ग्रुप वाइज कैसे कैसे क्या हो रहा है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पर पीडीएफ दे रखा है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ओवरऑल है क्या कि स्टार्टिंग से अगर हम बात करें कि बचपन से क्लास 12 तक, मतलब कि केजी से आप क्लास 12 तक, यहाँ पर कि अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर में कुछ भी सिलेक्ट करना है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपको कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल यही कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक पहुँचा दिए। तो ओवरऑल ये आप इसको समझ लो, ओवरऑल उसका मीनिंग है ये कि एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में हमको पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता था तो वो हमको पार्टिसिपेट करने के लिए मिलेगा। एक तो मल्टीपल एग्जिट एंट्री वाला ऑप्शन हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरा चीज़ हमको यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से उस चीज़ को हमको एकदम जान पहचान हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें कोडिंग को, कोडिंग हम जाकर हायर स्टडीज में देखते थे या 11th या 12th में लिटिल बिट, और ये कोडिंग की हमारी जान पहचान 6th स्टैंडर्ड पर हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा हमको समझ में आया। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से अपडेट्स पाने के लिए एजुकेशन के रिगार्डिंग तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपको और डिटेल में पूरी एजुकेशन पॉलिसी पढ़ने की क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं तो डिटेल में मैंने आपको वीडियो का लिंक भी दे रखा है, और आपको ऑफिशियल जो पीडीएफ आई हुई है नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की 2020 की, तो उसका भी मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पर आप, और मैंने इस पीडीएफ का जो स्क्रीन पर आ रही है इसका भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर कुछ डाउट रह जाता है किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। बाय बाय। We'll be right back.